नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 149 लेकर के, और डेट है 26 जुलाई 2021, और आज दिन है मंडे। वैसे तो आज कारगिल दिवस भी है, तो कारगिल दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पिछले दिनों दोस्तों अनुमान लगा रहा था कि 22 जून 2018 को हमने शुरू किया था ये सिलसिला रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी को बताने का, और जब रिकॉर्डिंग क्लब के 2 वर्ष पूरे हुए थे 20 मई 2018 को, तब हमने ये अनाउंस किया था कि अब जो है वो रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी को बताया जाएगा। और तब उदयपुर कन्वेंशन को हुए महज 5 महीने ही तो हुए थे, लेकिन आज 3 सालों से ये सफ़र जारी है। और मैं हिसाब ये लगा रहा था कि अब तक अगर हर शुक्रवार को हम स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे होते तो लगभग 160 एपिसोड हो चुके होते, लेकिन आज है 149, तो अभी भी 11-12 एपिसोड्स हम पीछे हैं। तो मान करके चलिए उसकी भरपाई ज़रूर की जाएगी। आज बात करते हैं उदयपुर कन्वेंशन की वही घटना जिसको कि आप सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और डेट आ गई है अब 19 दिसंबर 2017, क्योंकि 16 दिसंबर को हम पहुंचे शनिवार को, 17 दिसंबर की कहानी आपको बता दी, और 18 दिसंबर की कहानी आपको 148 में बताई। तो 18 दिसंबर को जो कहानी मैंने सुनाई या एपिसोड 148 में जो कुछ मैंने कहा उसको काफ़ी साथियों ने पसंद किया और अपनी शुभकामनाएं दी और आगे भी स्टोरी को जारी रखने के लिए कहा है। तो निश्चित रूप से बस आप सबकी ये प्रतिक्रियाएं, आप सबकी ये शुभकामनाएं, आप सब की जो ये सुझाव हैं आप सबके, वही बस इस स्टोरी को अभी तक ज़िंदा रखे हुए हैं। तो मैंने कहा था दोस्तों कि प्लान ABC रेडी था, करना क्या था वो भी दिमाग में तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर थी। अली भाई ने ये कहा था कि सर आप निकल जाइए अजमेर, और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि भाई ये जो कुछ काम है, अब अमाउंट जो जमा कराना है वो मैं करवा दूंगा जा करके, और आप उसके लिए अब एक और दिन ख़राब मत कीजिए, क्योंकि आपकी जॉब है, छुट्टी उट्टी भी आपकी लग रही होगी, तो आप चाहें तो आप अजमेर चले जाएँ। मैंने कहा हाँ चले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बीच में दोस्तों सारी बातें हो गई, देवेंद्र धाम जो धर्मशाला थी जिसको देखते ही वो पहली नज़र में पसंद आ गई थी भानु को भी और मुझे भी, इधर अली भाई के साथ भंडारी दर्शक मंडप जो कि सरकारी एक तरह से समारोह स्थल था उसको हम देख कर के आए थे। तो हमने जो वो दिन था उसके बाद लगभग 4 बजे के बाद तो हम फ्री ही हो गए थे 18 तारीख को भी, तो उसके बाद भी हमने कुछ कोशिश की इधर उधर की कुछ काम किए जाएं, कुछ घूमा जाए, कुछ भटका जाए, कुछ देखा जाए, लेकिन शाम होते होते हम लोग जा कर के रूम पर चले गए। अब अगले दिन यानी 19 दिसंबर को सुबह तय ये था कि अली आएंगे, अली जाएंगे, फीस जमा कराएंगे, और उसके बाद ये खुशखबरी सबको सुनाएंगे। लेकिन जब अली को सुबह फ़ोन किया लगभग 8 बजे के आसपास,
तो अली भाई ने कहा कि सर मैं आने में असमर्थ हूँ। मैंने कहा भाई एकदम ऐसा झटका मत दो, क्या हो गया अली भाई? तो अली ने कहा सर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है। वही बात आती है दोस्तों, जब दिमाग में हमारे कुछ आशंकाएं चल रही होती हैं तो इंसान उसके आंखों देखा हुआ सच भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो यहाँ तो कानों से सुन रहे थे हम, तो दिमाग में वही सब चल रहा था। लगता है रात भर में फिर कोई चमत्कार हुआ है और अली भाई को किसी ने मना कर दिया, रोक लिया है। एक मन कह रहा था यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता तो अली भाई साथ ही नहीं होते। एक मन कह रहा था यार हुआ यही है। अब बस इसी उधेड़ बुन में, इसी चक्कर में हम लोग चल रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अली ने कहा कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये छोटा सा काम है एक दो मिनट का, मैं एक दो दिन में जाके करवा दूंगा या फिर मैं किसी के हाथ रुपए भिजवा के भी जमा करा दूंगा और रसीद ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। मैंने कहा अली भाई निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? तो बोले कि सर आप अजमेर नहीं गए? मैंने कहा नहीं अली भाई मैं अजमेर नहीं गया। तो अली ने सोचा होगा, जो भी सोचा होगा कि यार सर नहीं गए अजमेर और यहीं पर हैं, और वहीं पर डटे हुए थे मैं और भानु लगातार। मैंने अली से कहा चल अली सोचते हैं दो पाँच मिनट और फिर मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। इधर मैंने भानु से बात की, मैंने भानु को कहा यार भानु अगर मैं इसको ये प्रस्ताव रखूँ कि मैं तुमको भेज दूँ इनके पास, उसकी तो तबीयत ख़राब है और उसको केवल रुपए लेकर के ही तो आना था अली को। भानु ने कहा हाँ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अली को दोबारा फ़ोन लगाया, मैंने कहा अली ऐसा है क्या ये संभावना है, हो सकती है कि मैं भानु को आपके पास भेज दूँ? तो अली ने कहा सर क्यों आप भी आ जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं आऊँगा लेकिन मैं भानु को भेज देता हूँ आपके पास। तो अली ने खुशी खुशी कहा कि हाँ बिल्कुल सर उसमें क्या दिक्कत है भेज दीजिए। चलिए यहाँ फिर वापस से एक बार फिर जो विश्वास था वो बना कि यार अली को अगर गड़बड़ी करना होता तो मना भी कर देते किसी बहाने से कि मैं तो यहाँ नहीं हूँ या आप मत भेजिए। तो लगा कि इसका मतलब जो है वाकई में परिस्थितियाँ शायद ऐसी नहीं है कि अली बस का सफ़र करके उदयपुर आ सकें। लेकिन ये तो हम उस समय वहाँ उदयपुर में टिके हुए थे दोस्तों, इसलिए दिमाग ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन मानिए अगर हम अजमेर आ गए होते तो शायद पता नहीं मन में कुछ और होता चल रहा होता, और ये भी हो सकता था कि उल्टे पैर वापस उदयपुर भागना पड़ता, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से काम कर नहीं लें तब तक आपको चैन कहाँ मिलता है। खैर फिलहाल यहाँ सब कुछ अच्छा था। भानु रवाना हुए भिंडर के लिए, भिंडर गए लगातार फ़ोन से हम लोग संपर्क में। वहाँ जाकर के भानु ने अली भाई से लगभग 40,000 के आसपास अमाउंट लिया और शानदार पकौड़ों का स्वाद चखा अली भाई के यहाँ। और भानु ने ये कहा कि सर वाकई में अली सर की जो है तबीयत ख़राब लग रही है। तो फिर मैंने हालचाल पूछे और उस समय तो कुछ सूझ नहीं रहा था पहले तो, लेकिन थोड़ा सा फिर मैंने भी कहा हाँ अली भाई कैसे ध्यान रखो कोई बात नहीं चलिए काम हो जाएगा और मैं जैसे ही होगा फ़ोन करके तुमको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है अब यहाँ पर भानु रवाना हो गए वापस उदयपुर के लिए, भानु आ भी गए और हमको जाना था अब देवेंद्र धाम के ट्रस्टीज़ का जो ऑफिस था वहाँ पर जा कर के रुपए जमा कराने, क्योंकि करने वाले तो मैं और भानु ही थे कोई और था नहीं, इसलिए कोई चिंता भी नहीं थी किसी बात की। अली ये सोच रहे थे कि हम भंडारी दर्शक मंडप बुक कराएंगे
क्योंकि वो बुक हो चुका है, अब केवल अमाउंट ही देना है। बहरहाल यहाँ पर एक अलग तरह की समस्या आई दोस्तों। समस्या ये आई कि उन्होंने कहा भाई चेक से पेमेंट करिए, नोटबंदी हो चुकी है, तो हमने कहा चेक कहाँ से लाएं, चेक तो हमारे पास है नहीं। अब समस्या ये कि मेरे पास एटीएम भी था, मेरे पास भानु भी था, लेकिन भानु एटीएम से पैसे निकाल नहीं पाया, और जो ऑटो वाला था उस पर हमको भरोसा नहीं था, हालांकि वो बार बार ये कह रहा था कि मैं निकाल लूँगा ये वो। चेक के लिए भी ये बात उसने कही कि आप मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए और मैं आपको चेक बना करके दे देता हूँ, लेकिन भानु ने ही, पता नहीं भानु का दिमाग इसमें दौड़ा और भानु ने कहा नहीं सर, ऐसी रिस्क नहीं लेंगे अपन कि इसके अकाउंट में अपन इतने पैसे ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये करवाने थे। तो फिर क्या किया जाए। अब यहाँ पर दोस्तों ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमने कैसे वो 20 हज़ार रुपये 22 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि 10 हज़ार तो हमने पहले दिन ही दे दिए थे जो एटीएम से निकाल करके उनको, क्योंकि टोटल 63,000 का अमाउंट देना था ना। तो ये अब थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो हमने कैसे किया, या तो मेरे पास थे या जो भी है, लेकिन हाँ ये चेक वाला एक प्रकरण ज़रूर हुआ था। और यहाँ से इससे मिलती जुलती एक बात और है, मेरे जो मौसा जी थे वहाँ दूर के मौसा जी, उनसे भी मैंने बात कर ली थी कि क्या आप चेक दे दोगे, और मैं आपको अगर कैश अमाउंट दे दूँ तो आप चेक बना करके दे दोगे, तो उन्होंने कहा हाँ दे देंगे। फिर बाद में देवेंद्र धाम वालों को मैंने समझाया, थोड़ा सा रिक्वेस्ट की यार कि ये सर अगर कैश ही ले लो आप तो कैसा रहे, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मतलब प्रार्थना करने के बाद देवेंद्र धाम वाले मान गए। इधर मैंने मौसा जी को मना किया तो मौसा जी नाराज़ हो गए, और ऐसे नाराज़ हुए कि बाद में कभी कहीं नज़र भी नहीं आए, कार्यक्रम में भी नहीं आए कि तुमने चेक कहा, पहले मैंने चेक बना दिया और अब जो है तुम मना कर रहे हो ये वो जो भी है। मैंने कहा यार अब ज़रूरत नहीं है तो क्या करें, थोड़ी आशंका मुझे उधर भी थी एक्चुअली। तो मैंने कहा फाड़ दो चेक, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो भी उन्होंने उस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लिया। उनको पता नहीं था कि हम कौन सी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, हम किस तरह से यहाँ पर काम चला रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सोच रहे थे। तो साहब कुल मिला करके आखिरकार वो घड़ी आई 12-1 बजे के आसपास, जब हम देवेंद्र धाम के ट्रस्टीज़ के कार्यालय पहुँचे और वहाँ उनको 63,000, 10,000 मेरे नाम से, 10 भानु के नाम से, 15 अली के नाम से, 15 अर्पण जी के नाम से, 10,000 प्रतीक भाई के नाम से, इस तरह से कुछ ना कुछ करके हमने 5-6 करीबन रसीदें, वो शायद आज भी मेरे पास रखी हुई होंगी, वो हमने 63,000 उनको दिए, और जो 10,000 थे उसकी बिना नाम की रसीद हमने ले ली थी क्योंकि वो तो रिफंडेबल थे। टोटल 73,000 रुपीज़, जिसमें 40,000 अली भाई से प्राप्त हुए और 33,000 अपनी तरफ से मैंने उस समय जो भी पैसा हो सकता था उनको जुटा करके, और रजिस्ट्रेशन वगैरह के फीस से जो आए थे उस सब से उनको व्यवस्था करके वो अमाउंट दिया। आखिरकार ये मान करके कि ठीक है भाई अब 63,000 तो जो लगने थे वो लग गए। यहाँ पर दोस्तों अब जा करके ऐसा लग रहा था, मान लीजिए कि उस दिन कोई भारत रत्न मिल गया हो या कोई नोबल पुरस्कार मिल गया हो, सच में दोस्तों इतनी खुशी हो रही थी उस दिन। और खुशी मतलब होना लाजमी भी था क्योंकि जिन परिस्थितियों से निकल करके इस जगह को बुक करवाना और ये सुनिश्चित करना कि अब कार्यक्रम होगा और बहुत धूमधाम से होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। अब होता क्या है, कई बार साथियों
इधर उधर जो टीम के लोग थे सबके फ़ोन भी आते थे, चाहे वो कोई भी हो हमारे, चाहे विनोद भाई हो वो भी पूछ रहे हैं, या करमवीर भाई, प्रतीक भाई, शरद भाई, सभी लोग, सबसे बातें चल रही हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। और यहाँ पर जो है वो इधर अर्पण सर से भी बातें चल रही थी, यहाँ अजमेर में भी बातें चल रही थी सबसे, इधर घर पे लोग परेशान हो रहे थे, सारी चीज़ें मतलब हो रही थी साथ के साथ। लेकिन कोई करे तो क्या करे, और ऐसी परिस्थितियों में देवेंद्र धाम को ढूंढना, ढूंढ करके उनके ट्रस्टीज़ को मनाना, और मनाने के बाद उनको ये विश्वास दिलाना कि भाई हमारा कार्यक्रम अच्छा होगा और हम आपको दिखाएंगे कुछ करके, और वो बुक करवाना, ये सारे काम महज 1.5 दिन में। तो ये बहुत सुकून भरा पल था, बहुत खुशी हुई दोस्तों, वो खुशी मैं मतलब उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकता। और भानु भी बहुत खुश कि सर चले आखिरकार, जो हमने यहाँ पर चप्पलें घिसी हैं उसका परिणाम निकला और कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल करके हम लोग जा रहे हैं। और सच्चाई ये थी कि वहाँ जो परिस्थितियाँ बन गई थी ना दोस्तों, कि जिस स्तर पर घटनाएं घटित हो रही थी एक के बाद एक, हमारे कार्यक्रम को फेल करने के लिए और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे थे, उनकी तैयारियां की जा रही थी, उसमें लोग लगे हुए थे जिनको हमारे लिए काम करना था या हमारी मदद करनी थी, ऐसे में पैसे की कोई चिंता नहीं थी दोस्तों, बस ये था कि कार्यक्रम करना है और बहुत अच्छा करना है। ये सब जो घटनाक्रम रहा, लेकिन उसके बाद भी मैंने लगभग 1-1.5 बजे अली को फ़ोन करके कहा कि बुक हो गया, लेकिन ये नहीं बताया अली भाई को कि देवेंद्र धाम बुक हुआ है। अली भाई को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ इधर बाकी अर्पण जी को ज़रूर मैंने ये बताया था कि जगह हुई है, कोई और बुक हुई है, लेकिन वो जो और वो बहुत अच्छी जगह है, और वो भी उदयपुर से परिचित नहीं थे, तो ठीक उनके लिए भी चाहे देवेंद्र धाम हो और कुछ भी हो, बुक हो गया उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था, इस बात से वो भी खुश थे कि चलो आखिरकार बुक हुआ और हमारा कार्यक्रम अच्छे से हो पाएगा। अली भाई ये सोच रहे थे कि भंडारी दर्शक मंडप जो है वो बुक हुआ। अब यहाँ पर दिमाग में ये और उलझन चल रही थी कि वापस नगर निगम जा कर के उनको मना करें कि भाई लिस्ट से हमारा नाम हटा दो, लेकिन फिर यही सोचा रहे यार कौन जाए, फालतू में चार बातें कहीं सुननी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं आज भी मुझे मलाल है कि ये थोड़ी सी हमारी एक मेरी मतलब कहूँ मैं कि गैर जिम्मेदाराना रवैया था, जो कि हम उनको वापस बताने नहीं गए कि भैया इसको हटा दीजिए, हमको बुक नहीं करवानी है और हमने कोई और जगह बुक कर ली, लेकिन हम नगर निगम उनको मना करने कैंसिल करवाने नहीं गए। और आखिरकार उन रसीदों को दोस्तों, अगर मेरा बस चलता ना, जो देवेंद्र धाम की बुकिंग की जो रसीद उन्होंने दी हमको, मेरा बस चलता तो मैं लेमिनेशन करवा करके लेके आता अजमेर, मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि 19 तारीख हो गई है, 28 तारीख से लोग आना शुरू हो जाएंगे, बताइए क्या बताते, मतलब क्या मुंह दिखाते लोगों को। और कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, उस समय तो रिकॉर्डिंग क्लब भी एक तरह से बिल्कुल अपनी बिल्कुल शैशवावस्था में ही तो था, अगर ऐसे में इतना बड़ा ये कार्यक्रम अगर रद्द हो जाता, और जाहिर सी बात है लोगों को सब कुछ फीस वगैरह रिफंड करनी पड़ती, वापस देनी पड़ती, तो एक बार को फीस रिफंड भी हो जाती, मना भी हो जाता, सब कुछ हो जाता, लेकिन एक जो वो दाग लगता ना दोस्तों, एक जो एक 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 ऐसी याद लोगों के साथ जुड़ जाती ना, उसको मिटा पाना बड़ा मुश्किल था। देखिए कार्यक्रम हो और एक आध सेशन इधर उधर हो नहीं हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूरा का पूरा कार्यक्रम ही रद्द हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ कोरोना महामारी की वजह से हो जाए तो अलग बात है, वो तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वहाँ तो मतलब कुछ और ही कहानी थी। बहरहाल हम जो है बहुत सुकून भरे पलों के साथ, बहुत खुश, बहुत आनंदित, दिन में जो है वो ट्रेन थी। और एक और मज़ेदार बात दोस्तों,
कि इतने हम लोग लेट हो गए थे कि करीब करीब हमने भागते भागते वो ट्रेन पकड़ी है, मतलब चालू ट्रेन को पकड़ा ही मान के चलिए। और हमारे ऑटो वाले ने, राजू ने, ये गारंटी ली थी कि सर ट्रेन नहीं छूटने दूंगा, आपको ट्रेन में बिठा करके आऊँगा। तो उसने भी, बड़े भाई ने बहुत ध्यान रखा और बहुत अच्छे से जो है वो हमको ले गया वो, और उसने जो है ऑटो में बिठाया। तो ये कहानी, उसमें ट्रेन में बिठाया और तब जा करके उसको भी पेमेंट वेमेंट किया और उसको भी हमने बुक किया भाई कि हमारे कार्यक्रमों में आपको लगातार रहना है राजू। और आज भी हम उसको याद करते हैं, आज भी जब भी उदयपुर जाते हैं मिलते जुलते हैं। तो ये कहानी दोस्तों अभी जारी है, अभी तो धर्मशाला बुक हुई है लेकिन आगे और भी बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे इसमें। लेकिन ट्विस्ट आए उससे पहले आएगा पार्ट 150, और 150 जब पार्ट आएगा, अब देखिए ये भी एक कहानी, हमने सोचा था कि 20 मई 2021 से पहले ही हम कर लेंगे 150, लेकिन नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर के पार्ट 150 आएगा, और 150 जब आएगा तो वो अपने साथ देखिए कुछ और नई कहानी लेकर के आएगा, कुछ और उसमें इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इंतज़ार कीजिए बस। क्योंकि 150वां अंक है तो उसमें तो कुछ अनोखा होना चाहिए ना, कुछ अलग होना चाहिए। तो वो अलग क्या होगा, उस अलग का इंतज़ार कीजिए। आज तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी और कहानी, किसी और कार्यक्रम के साथ। तब तक रिकॉर्डिंग क्लब को सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कहानी अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भाई रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी आखिर है क्या, जिसके इतने सारे अंक हो गए हैं 149। पढ़े पढ़ाएँ, कुछ सीखें और सिखलाएँ। नमस्कार।